प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यही कहा था ना मनमोहन सिंह जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। लेकिन अल्पसंख्यक है कौन आपने ये नहीं बताया। हिंदू को हिंदू के साथ ये कहलवाने पे मजबूर कर दिया कि जो जय श्री राम है वो हिंदू और जो जय श्री राम है वो हिंदू नहीं बोल सकता। आप किसे कह रहे थे अल्पसंख्यक? जिन्हें इजाफा देते थे या इफ्तार पार्टी देते थे उन्हें मानते अल्पसंख्यक? समान शिक्षा का अधिकार देते थे सर, ये दायरा वही खत्म हो जाता। समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया आपने? फिर हिंदुओं को अल्पसंख्यक मानते हैं कि नहीं? देखिए, हिंदू अल्पसंख्यक है या नहीं है ये बात जहां उसकी जरूरत है वहां वो भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, आप मुझे घुमा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। सीधी सीधी बात करते हैं ना चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो ईद पर 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए विजाफे का ऐलान करते हैं उसका आप लोग स्वागत करते हैं। विजाफा मिल गया, 5 करोड़ का विजाफा मिल गया छात्र छात्राओं को, उसका ऐलान हुआ तो शर्मा जी ने कहा इसका स्वागत करो। 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू है, वहां पर कोई विजाफे का ऐलान नहीं होता। शर्मा जी वो पीड़ा नहीं सताती आप लोगों को। मैं यही कह रहा हूं कि आखिरकार ये भेदभाव क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, भेदभाव क्यों, इसका जवाब कांग्रेस कहां से देगी? कांग्रेस नहीं देगी इसका जवाब। 2006 में मनमोहन सरकार में पहली बार माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, अल्पसंख्यक कमीशन। 2006 से पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय था ही नहीं, ये आपने बनाया। आप कह रहे मुझसे मत पूछो, जब आपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया उससे पहले अल्पसंख्यकों का विकास ही नहीं हो रहा था, है ना? या अल्पसंख्यकों का उद्धार नहीं हो रहा था? बनाया तो मैं तिलक भाई, मैं उसे डिनाई थोड़ा कर रहा हूं उस बात से। आप ही तो कह रहे हैं, कांग्रेस से क्यों पूछो भाई? जिनके टाइम में फर्क आ रहा है वो उस बात का जवाब देंगे। अच्छा, 2006 में मनमोहन सरकार नहीं लेकर आई थी, प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यही कहा था ना मनमोहन सिंह जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। लेकिन अल्पसंख्यक है कौन आपने ये नहीं बताया। आप किसे कह रहे थे अल्पसंख्यक? जिन्हें इजाफा देते थे या इफ्तार पार्टी देते थे उन्हें मानते अल्पसंख्यक? ये एक इशू बनाया जा रहा है कि जिन्हें इत्तेफार देते थे या जिनको इजाफा पहनाते थे उन्हें अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। क्यों, करोड़ों का बजट किसको देते थे आप? इफ्तार पार्टी किसको देते थे? जो हम देते थे वो देश के नागरिक को देते थे, हम किसी मजहब धर्म को नहीं मिलना चाहिए। सर, जो देश के नागरिक है तो देश के नागरिक तो नवरात्र भी रखते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, कभी उनको भी दिया क्या? नहीं तो ये फर्क कहां, कौन कह रहा है, हम कहां किस फर्क को इस फर्क। अच्छा, ओके, मैं आंकड़ों की जुबानी बात करता हूं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा। शर्मा जी, आंकड़ों के मुताबिक लक्षद्वीप में हिंदुओं की संख्या 2% है। लक्षद्वीप में कितनी हिंदुओं की संख्या? 2% है, और मुस्लिम आबादी है 97%। इसी आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में हिंदुओं की आबादी है 3% और ईसाइयों की है 90%। नागालैंड में हिंदुओं की आबादी है 8% और ईसाइयों की 90%। कश्मीर में हिंदुओं की आबादी है 28% और मुसलमानों की आबादी है करीब 70%। मेघालय में हिंदुओं की आबादी 11% और ईसाइयों की 84%। कभी हिंदुओं को आपने अल्पसंख्यक समझा क्या? दूसरे 10 राज्यों में जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है, कभी इस विषय में सोचा आप लोगों ने? चंद्रमोहन शर्मा, मैं देता हूं जवाब, देता हूं। ये तिलक भाई, ये क्या है, दिख रहा है मेरा ये लिखा हुआ? आप इसे 9 भी समझ सकते हैं और 6 भी समझ सकते हैं सर। 6 नहीं, आप घुमा देंगे तो 9 बन जाएगा और ये अब 9 हो जाएगा जी। आप, मैं आपको जो, जो, जो जिस चश्मे से आप देख रहे हैं मैं भी उसी चश्मे से देख रहा हूं। देखिए, 6 इसलिए मैं बताता हूं। जब वाजपेयी जी की सरकार थी और वाजपेयी के टाइम के अंदर एक टाइम ऐसी भी सरकार थी जिसको भाजपा ने सपोर्ट करके चलाया था, तब ये 6 था। 6 क्यों था? क्योंकि उस समय की राजनीति के अंदर तुष्टिकरण का बेनिफिट इस सत्तारूढ़ सरकार को था। आज जब 2014 के बाद प्रचंड बहुमत मिला और सरकार ने 80-20 का खेल खेल के एक मजहब एक धर्म की राजनीति के अंदर विकेंद्रीकरण पॉइंट के ध्रुवीकरण कर दिया और हिंदू को हिंदू के साथ ये कहलवाने पे मजबूर कर दिया
कि जो जय श्री राम है वो हिंदू और जो जय श्री राम है वो हिंदू नहीं बोल सकता। आपको छह दिखाई दे गया, मुझे नौ दिखाई दिया। आप सुन के मेरी बात का जवाब दे दीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये अल्पसंख्यक क्यों नहीं दिखाई दिए? दस राज्यों में 2005 में केंद्र सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशन हालात को सुधारने के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी का गठन किया था सर। कमेटी ने कम से कम आपको 75 सुझाव दिए, 75 अलग अलग सुझाव दिए, और उसमें से कई सुझावों को आपने लागू भी किया, जैसे कि उर्दू का प्रचार, आपने उसके लिए बजट खर्च किया, उर्दू का प्रसार उसके लिए आपने बजट खर्च किया, आपने ज्यादा संसाधन देना उसके लिए आपने बजट खर्च किया, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति। मैं ये कह रहा हूं, जो मेरा मूलतः प्रश्न है, आप ईद पर 5 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, सच्चर कमेटी पर इंप्लीमेंट करिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यही वजीफा उन 8 और 10 राज्यों में क्यों नहीं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं? मेरा प्रश्न यह है, कोई गलत प्रश्न तो नहीं है शर्मा जी? प्रश्न इसलिए आप 6 और 9 घुमा दीजिए, आप 6 घुमा दीजिए, 9 घुमा दीजिए, आपकी मर्जी। मैं घुमा देता हूं, देता हूं आपको जवाब। देखिए, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास के अंदर जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो विद्यार्थी होता है, उसके विद्यार्थी होने पे उसके नाम में राम, रहीम, कबीर और सतबीर और आप करते हैं। आप सुनिए, आप करते हैं समान शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार दे देते ना आप। आप हिंदू का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, सिख का, ईसाई का बच्चा, समान शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार दे देते सर। ये दायरा वही खत्म हो जाता, समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया आपने? फिर आप अपना डिफेंस करिए, मैं अपना डिफेंस करूं। तो सर मैं वही कह रहा हूं ना, समान शिक्षा अधिकार दे देते अगर सारे बच्चे एक बराबर आपके लिए, तो तिलक भाई आप अपना डिफेंस करेंगे, मैं अपना डिफेंस करूंगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब क्लास में एक बच्चा गया तो वो अध्यापक के लिए विद्यार्थी था, उसका नाम नहीं था। नाम उसका कब था? जब उसकी अटेंडेंस के लिए पूछा गया। ठीक उसी तरह से जब इस मदरसों को फंडिंग दोगे तो शिशु मंदिर को भी दे देते ना सर। जब कोई नाम, शिशु मंदिर को कितनी फंडिंग दी आपने? शिशु मंदिर के नाम पर कितनी फंडिंग दी आपने? शिशु मंदिर के नाम पर कितनी फंडिंग दी आप बताइए ना? खालसा स्कूल के नाम पर, खालसा स्कूल के नाम पर कितनी फंडिंग देते हो आप? आप देते हो खालसा स्कूल के नाम पर, शिशु मंदिर के नाम पर देते हो, देते हो जेंट्स सेंट थॉमस नाम पर किसी स्कूल को देते हो फंडिंग आप? तो मदरसों को फंडिंग क्यों? हमने हिंदुस्तान के नागरिक को, हिंदुस्तान के संस्थानों को फंडिंग दिया, हमने किसी नाम के हिसाब से फंडिंग नहीं दिया। ठीक है, हमने टीचर होके अपनी धर्म के आधार पर एएमयू बना लोगे आप, फंडिंग दिया आप धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थानों का बंटवारा कर दोगे आप। तो साइंस की फंडिंग दी, अगर वो संस्कृत का तो संस्कृत की दी।